गुड मॉर्निंग दोस्तों, गवर्नमेंट जॉब नेट में आपका स्वागत है। दोस्तों आज बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में। जी हाँ दोस्तों, आज उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में लेखपाल भर्ती 2020 जो आगामी आने वाली है उस पर क्या चल रहा है, आपकी वीडियो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन जो 2018 की अभी तक क्या उसमें कुछ आगे प्रोसेस हुआ कि नहीं, और आगामी एक भर्ती जो आने वाली है इसी मंथ फरवरी में आने वाली है कब तक आने वाली, उसके बारे में चर्चा किया जाएगा। तो बिना लेट के वह चलते न्यूज़ की तरफ। न्यूज़ में देखते क्या है, न्यूज़ जो भी होगी दोस्तों ऑफिशियली होगी। हमारे चैनल पर जो भी भाई नए हैं यूपी त्रिपुरा से जुड़ी किसी भी जानकारी को चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों चलते हैं न्यूज़ में। न्यूज़ सबसे पहले हम वैकेंसी के बारे में बात करेंगे। जी हाँ दोस्तों, वैकेंसी आपकी बन के तैयार है। वैकेंसी सबसे पहले बता दे रहे हैं आपको, वैकेंसी आपके कैलेंडर के बाद ही जारी किया जाएगा। कैलेंडर के बारे में एक बार बात बोलता चलूँ, कैलेंडर जो हो सकता है आपका 3 से 4 फरवरी के बीच में देखने को मिल जाएगा। देखो बोला तो जा रहा है 2-3 दिन के अंदर, लेकिन हमें कुछ विभाग के ऊपर अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पर विश्वास अब नहीं रहा, तो उन्होंने बोला है कि 2-3 दिन के अंदर जारी कर दिया जाएगा। अब देखिए इन्होंने मंगलवार मंगलवार का टाइम दिया है, सोमवार मंगलवार को बोले हैं कि जारी करने के, हो सकता है आज भी जारी कर सकते हैं, नहीं क्लियर नहीं है। ठीक है, तो आपका कैलेंडर जारी होने के अगले सप्ताह इसका एक वैकेंसी जारी करेंगे। अब कौन सा वैकेंसी है वह भी क्लियर नहीं है। वैकेंसी जो भी क्लियर होगी मैं आपको एक वीडियो में जरूर बताऊंगा कौन सी वैकेंसी आने वाली है, उस बारे में आपको क्लियर जरूर करूंगा। देखिए आज शाम तक कुछ अपडेट करें हो सकता है अधीनस्थ सेवा चयन अपने वेबसाइट पर। चलते आगे की तरफ, आगे न्यूज का वीडियो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, वीडियो वाले डॉक्यूमेंट्स जो जिसका जो वेट कर रहे हैं उनके लिए बता दोस्तों, ये आपका फेब लास्ट में आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन स्टार्ट हो जाएगा। जी हाँ, कैलेंडर जो है कैलेंडर आप देख लीजिएगा, विश्वास कर सकते हैं आप मेरे न्यूज़ पर 100% विश्वास। फरवरी तृतीय पक्ष में आपका जो है आपका कैलेंडर शेड्यूल जारी किया जाएगा, जो शेड्यूल कैलेंडर जो 2-3 दिन में आएगा उसमें आप फरवरी लास्ट में देखेंगे आपका वीडियो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का डेट दे दिया जाएगा। डेट दे दिया जाएगा, आप कराएँ कब उनके ऊपर डिपेंड है, लेकिन आपको डेट आपको मिल जाएगा। इतनी गारंटी के साथ बोल के मैं जा रहा हूँ, आपको 100% डेट देखने को मिल जाएगा कि आपका आपका वीडियो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कब से स्टार्ट हो रहा है। फरवरी लास्ट में बोला जा रहा है अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में, जो कैलेंडर के माध्यम से आपको बताया जाएगा। ठीक है, चलते हैं आगे लेखपाल भर्ती की तरफ। लेखपाल भर्ती में आपको सबसे बड़ा अपडेट देता चल जूँ। देखिए बहुत से आपको यूट्यूब चैनल आपको मिलेंगे जो लेखपाल भर्ती को बता रहे हैं कि दोस्तों आपका लेखपाल भर्ती फरवरी में आ रहा है। ठीक है, फरवरी में आने की बात बहुत से यूट्यूब चैनल वाले कर रहे हैं, लेकिन दोस्तों ये मात्र एक झूठ बात है, 100% इसमें कोई सत्यता नहीं, फरवरी में कुछ नहीं, क्योंकि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में मेरी बात हुई है, अभी तक लेखपाल भर्ती का उनके पास विज्ञापन नहीं, अध्याचय नहीं आया। बताइए अध्याचय नहीं आया तो कहाँ से पूरा करेंगे। हाँ उन्होंने ये बताया है कि अब एक वैकेंसी इस महीने तो जो निकालेंगे, अगली जो वैकेंसी होगी वो आपके लेखपाल का ही होगी। जी हाँ, तो लेखपाल की जहाँ तक उम्मीद है आपको बता रहे 15 फरवरी तक पूर्ण रूप से अध्याचन विभाग जो है जितनी ज़्यादा सीटें खाली हैं अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को ट्रांसफ़र कर देगा। ठीक है, UP 3+C को भेज देगा, उसके बाद हुआ तो हो सकता है अध्याचन पूरा होने के बाद UP 3+C मार्च में हो सका, संभव हुआ तो मार्च मिड में हो सकता है तो आपका लेखपाल भर्ती देखने को मिल सकता है। अब उसके बाद पेपर कब कराएं, क्या शेड्यूल रहेगा, सब बारे में बात किया जाएगा। अभी तक तो यही न्यूज है, लेकिन मार्च में हो सकता है आपको, जी हाँ मार्च के लिए तैयारी है, मार्च में आपको पक्का हो सकता है अधीनस्थ सेवा चयन UP 3+C इस बार पक्का लेखपाल भर्ती निकालेगी। लेखपाल भर्ती के लिए बहुत थुथु हुआ है सरकार को, या 4 साल से भर्ती नहीं निकाल पाई है, इस बार हो सकता है आपको लेखपाल भर्ती देखने को मिल सकता है। पोस्ट दोस्तों हम बता दे रहे हैं, हम 7,000 से ऊपर होने वाली है। जी हाँ, 7,000 से ऊपर पोस्ट होने वाली है इस बार लेखपाल की, देखते कितनी सच्चाई होती है। 15 फरवरी के बाद हो सकता है 10 फरवरी के बाद उन्होंने बोला है, 10-15 के बीच में आज सभी डाटा उनके पास आ जाएगा अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, कितनी कहाँ पर सीट खाली, जिलेवार सीट होती है ना तो वहाँ पर पता चल जाएगा, उसके बाद अपना शेड्यूल जारी करके मार्च में वैकेंसी निकाल दें। तो दोस्तों अभी तक के लिए बस यही न्यूज़ थी, जो भी न्यूज़ आएगी अधीनस्थ सेवा चयन से हम आपको ट्रांसफर करेंगे, बताते रहेंगे। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।